हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है, यहाँ पर टेक्सटाइल पेनी स्टॉक्स यहाँ पर नजर आता है 118% के अपसाइड। और ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, ये अपर सर्किट में चलते हुए नजर आते हैं। जब ये रिटर्न देते हैं तो अच्छे खासे रिटर्न भागते हुए देते हुए नजर आते हैं, तो इसलिए इसकी तरफ नजर बना के रखिएगा। और आज की डेट में बात करने वाले अगेन गल्फ ऑयल एंड लुब्रिकेंट से रिलेटेड। कल की डेट में यहाँ पर वीडियो बनाई थी, काफी लोगों ने यहाँ पर अप्रिशिएट किया था, काफी लोगों ने यहाँ पर देखा था, तो आज कुछ उसमें अपडेशन और इसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में और बताना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसलिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक काफी लोगों ने यहाँ पर वीडियो देख के यहाँ पर बाइंग करी होगी। तो अगर किसी ने इस तरीके से बाइंग करी है तो वो अपने रिस्क को भी समझ लीजिए और रिवॉर्ड को भी समझ लीजिए, ताकि यहाँ पर किसी तरीके का कंफ्यूजन ना पैदा क्रिएट हो। तो यहाँ पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिहेव करता हुआ नजर आऊंगा। तो वो एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आज के वीडियो में यहाँ पर बताते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए। और हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जाके हमें पिंग कर सकते हैं, और पिंग करके हम यहाँ पर आगे बात कर सकते हैं, और आप अच्छे खासे पैसे हमारे यहाँ पर सर्विस लेके, फाइनेंशियल सर्विस का यहाँ पर पैकेज लेके अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। तो वीडियोज को यहाँ पर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम मैं आपसे लूंगा नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्टॉक्स। तो देखिए, कल हमने यहाँ पर बात करी थी और आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न से रिलेटेड यहाँ पर बातें करते हुए दिखाई दिए थे, और आपको बताया था कि यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने अभी इस वीडियो में बात करी थी राउंडिंग राउंडिंग बॉटम से रिलेटेड, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राउंडिंग टॉप से रिलेटेड। तो राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप का मतलब क्या होता है? राउंडिंग टॉप का मतलब यही होता है कि चीजें पहले ऊपर जाती है, ओके, ऊपर जाके यहाँ पर एक कर्व बनाती है, और कर्व बना के नीचे आती हुई दिखाई देती है, और उसके बाद जो टारगेट नजर आते हैं वो काफी यहाँ पर गिरावट के संकेत भी दिखाई देते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें राउंडिंग बॉटम की, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो उसमें ऊपर की तरफ चीजें दिखाई देती है, बट उसमें भी सेम ही चीजें अप्लाई होती हुई दिखाई देती है। तो मैंने इस वीडियो में तो सब कुछ क्लियर बता दिया है, कल की वीडियो में यहाँ पर मैं क्लियर नहीं बता पाया था। ओके, मैंने इसके चार्ट पैटर्न पे और भी ज्यादा स्टडी करी कल रात को, तो मेरे को कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर पता चले, तो उससे रिलेटेड मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर किसी का भी किसी भी तरीके से कोई घाटा ना होता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज के दिन में, आज हमने यहाँ पर शेयर को यहाँ पर बताया था लगभग 3% तक ये शेयर, 384 रुपए तक ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद एक जब मार्केट में गिरावट थी तो इसमें भी गिरावट थी। जब मार्केट में गिरावट होगी ना, याद रखिएगा, हर एक शेयर में गिरावट होगी। फिर ये मत सोचिएगा कि आपके पास विप्रो है, इंफोसिस है, फिर कोई भी शेयर नहीं बच पाएगा, फिर तो यहाँ पर गिरावट होगी, क्योंकि बड़े लोगों के पैसे लगे हुए हैं और वो पैसा यहाँ पर एग्जिट करते ही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ सिंपल सी बात, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा राउंडिंग टॉप पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और राउंडिंग टॉप, ये छोटे टॉप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बड़ा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मैं यहाँ पर छोटे राउंडिंग बॉटम की बात कर रहा हूँ, ज्यादा बड़े की बात नहीं करेंगे अभी। तो हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा होगा ये वाला, ओके, ये पाइवट्स पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा ये वाला। तो इस पॉइंट की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क नजर आता है, क्यों? क्योंकि जब ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आता है ना, तो राउंडिंग बॉटम में क्या होता है, ये जो पाइवट्स पॉइंट होता है, अगर यहाँ पर से ये क्रॉस होके यहाँ पर नीचे आता है, तो एक भयंकर यहाँ पर गिरावट के संकेत होते हैं। और यहाँ पर गिरावट के संकेत कितने हो सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ये शेयर फिर अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ आ सकता है, लगभग 83% ये शेयर क्रैश हो सकता है। और यहाँ पर टारगेट फिर कितने निकल के आते हैं, जो कि यहाँ पर 73 निकल के आते हैं, कि 73 रुपीज तक ये शेयर जा सकता है। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बताया है कि हर चीज में एक कंडीशन अप्लाई होती है, ऐसे ही कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं बन जाते। चार्ट पैटर्न अगर ऐसे तरीके से बनते भी है तो वो डराने के लिए बनते हैं, ओके, और बनते हैं तो फिर एक कंडीशन पर बनते हैं। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है नंबर्स, इसके रिजल्ट, कि कंपनी के रिजल्ट अगर लगातार खराब आ रहे हो, इन दैट केस इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। बट अगर नंबर अच्छे आ रहे हो और ऐसा चार्ट पैटर्न बने, तो याद रखिएगा, चीजें नीचे नहीं आनी, तो चीजें नीचे लाके ऊपर से भगाया जाता है। तो ये दो चीजों को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा था
यहाँ पर चीज अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे थे, उसके बाद रिजल्ट अच्छे नहीं आए जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना आता हुआ दिखाई दिया, तो ये चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हुआ दिखाई दिया। बट अगर हम यहाँ पर इसके रिजल्ट देखते हैं, अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ, तो देखिए हाईएस्ट एवर रिजल्ट आ रहे हैं, हाईएस्ट एवर सेल्स, और यहाँ पर ईयर क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ईयरली बेसिस पे यहाँ पर लगभग न्यूट्रल दिखाई दे रहा है ये शेयर, बट स्टिल यहाँ पर प्रॉफिट ही कहेंगे इसे। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छे खासे हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ईयरली बेसिस पे यहाँ पर बात करें तो जहाँ पर 2019 में यहाँ पर हाईएस्ट लेवल सेल्स आई थी, उसके बाद एक गिरावट थी, तो यहाँ पर अभी की बात करें पिछले 12 महीने की, तो 12 महीने में देखिए हाईएस्ट लेवल नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, बेकार होती हुई दिखाई दे रही, तो यहाँ पर क्या केस बन सकता है? इन दैट केस ये हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट हो सकती है, उस केस में मैंने कल भी बताया था अगर गिरावट होती है तो उसमें बाय ऑन डिप्स करना है। तो यहाँ पर मुझे चीजें गिरती हुई दिखाई नहीं देती क्योंकि यहीं पर ही यहाँ पर सपोर्ट लिया है, आज की डेट में गिरती हुई नहीं दिखाई दी, अगर गिरना होता तो और गिर जाती, और गिर के यहाँ पर ये फिर ये वाला पॉइवेट्स पॉइंट जो ये हमारा दिखाई दे रहा है 463 से अगर नीचे आता है तो फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट और घेरा सकती है। तो यहाँ पर अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पर नंबर मुझे नहीं लगता ये चीजें यहाँ पर गिरती हुई नजर आएगी, यहाँ से चीजें यहाँ से इस तरीके से राउंडिंग बना के यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती हुई नजर आएगी, जो कि यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर हम यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनता है और इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से एक रैली होती हुई दिखाई देती है, तो अच्छी खासी रैली यहाँ पर एक आती हुई भी दिखाई दे रही है, बट यहाँ से पॉइंट से नीचे आती है तो यहाँ पर गिरावट भी दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकता है और फिर नंबर पर डिपेंड करेगा, नंबर अच्छे आ गए तो चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, अच्छी से ये शेयर ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि नीचे। और इसके अलावा एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 15 मिनट्स का कैलेंडर, तो यहाँ पर आपको पता चलेगी कि एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दी है, आज की डेट में देखिए यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी मॉर्निंग में, इसके बाद देखिए पूरी ड्यूरिंग यहाँ पर 12 बजे तक अच्छी खासी बाइंग आई थी, इसके बाद गिरावट होती हुई दिखाई दी जैसे मार्केट गिरा, बट लास्ट के सेशन में भी अगर देखेंगे तो लगभग 23,00,000 शेयर, ओके यहाँ पर देखिए 23,000 शेयर यहाँ पर ग्रीन कैंडल में बनते हुए दिखाई दे, तो लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करी है, यहाँ पर बेचने का कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। एज वेल एज यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात बताऊं तो देखिए प्रमोटर्स के पास हैंडसम यहाँ पर अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पर FIs DIs भी भर भर के यहाँ पर ले रखा है, पब्लिक के पास भी है, तो यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी बात मुझे नजर नहीं आती, बट स्टिल सब कुछ डिपेंड करेगा नंबर पे, तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो उसी के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है नहीं, कल भी आपसे कहा था, अगेन मैं इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि ये सब की अपने अपनी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, इतने ही शेयर यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में रखना कि आपको घबराने की भी जरूरत ना हो और अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न जब मिले तो अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जितना हो सके सपोर्ट करना, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। हमारे इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So thank you so much. God bless.